तो प्रयागराज से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अतीक और उमर की मुश्किलें बढ़ेंगी, अतीक और उसके बेटे पर आरोप होंगे तय। आपको बता दें कि आज सीबीआई स्पेशल कोर्ट आरोप तय करेगी। कारोबारी से जेल में मारपीट का ये मामला, देवरिया जेल में मारपीट हुई थी, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कारोबारी से जेल में मारपीट का ये पूरा मामला है, देवरिया जेल में मारपीट हुई थी, उसी से जुड़ी हुई ये अपडेट आपको दे रहे हैं प्रयागराज से। अतीक और उमर की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ेंगी, अतीक और उसके बेटे पर आरोप तय होंगे, आज सीबीआई स्पेशल कोर्ट आरोप तय करेगी। तो कारोबारी से जेल में मारपीट का ये पूरा मामला है, देवरिया जेल में मारपीट हुई थी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, देखिए अतीक और उसके बेटे के आरोप आज तय होगी, सीबीआई स्पेशल कोर्ट में आरोप तय करेगी, क्या अभी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल आयुष, जिस प्रकार से अतीक अहमद और उसके परिवार के खिलाफ लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि इनका एक आपराधिक इतिहास भी रहा है, तो मुश्किलें बढ़ना स्वाभाविक है। सीबीआई कोर्ट आज जो है वहाँ पर जो है इन दोनों, उमर जो इनका लड़का है जो लखनऊ जेल में बंद है, और अतीक अहमद जो साबरमती जेल में बंद है, इसको उम्र कैद की सजा भी हो चुकी है। ये देवरिया का मामला है जहाँ पर कारोबारी को बुलाकर पहले धमकाया गया था, उसको डराया गया था, उससे रंगदारी भी मांगी गई थी, और उसके साथ मारपीट का भी प्रकरण सामने आया था। तो एफआईआर होने के बाद ये जांच पड़ताल पूरी जो है सीबीआई के हवाले कर दी गई थी। सीबीआई जो है अभी चार्जशीट नहीं लगाई थी, किंतु जितना भी जांच पड़ताल की, 18-19 का मामला है ये, 4-5 साल हो चुके हैं, तो लगातार सीबीआई ने पूरे जब पुख्ता सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, तो आज स्पेशल कोर्ट में अपना जो है पूरा जो है पक्ष रखेगी, जितनी भी जांच पड़ताल हुई है उसको जो है रखेगी स्पेशल कोर्ट में सीबीआई के। तो तय है कि आज जो है उमर जो इसका लड़का है अतीक अहमद का, वो भी कई जो है मामलों में संदिग्ध है, कई आपराधिक केसों में उसके ऊपर मुकदमे भी दर्ज हैं। तो उमर और अतीक की जो सीबीआई ने जांच पड़ताल की है, देवरिया जेल में जो कारोबारियों को रंगदारी के लिए हड़काए भी थे, पैसे की डिमांड भी किए थे, उसके पश्चात से मारपीट भी किए थे, तो आज स्वाभाविक है कि स्पेशल कोर्ट जो सीबीआई के है वहाँ पर इन दोनों खिलाफ आरोप तय होंगे, क्योंकि आरोप अगर तय हो जाते हैं तो आरोप तय होने के बाद इनको सजा होना एक जो है लाजमी स्वाभाविक ही है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ रही हैं, वो जो और जो है उनके परिवार के ऊपर साइस्ता परवीन, चाहे उनकी पत्नी हो चाहे अली अहमद जो नैनी सेंट्रल जेल में बंद है, और 5 करोड़ की रंगदारी उसने भी मांगी थी, तो उसको भी लेकर साबरमती जेल से अतीक को प्रयागराज लाया जाएगा, तो उसकी कोर्ट ने सीधे कह दिया है कि अतीक अहमद को कोर्ट में पेशी की जाए। अली अहमद जो 5 करोड़ की मांग किया था, उस पर पूछताछ के लिए प्रयागराज पुलिस साबरमती जेल गई भी है और वहां से भी लाने का प्रयास करेगी। तो जो मुख्य बिंदु आज है सीबीआई कोर्ट में उमर और अतीक के खिलाफ जो मामले दर्ज हैं देवरिया जेल में मारपीट के को लेकर, तो आज उस पर जो है सीबीआई पूरी तरह से शिकंजा कर चुकी है, पूरी जांच पड़ताल कर चुकी है। तो आरोप इनके ऊपर दोनों पर तय होना स्वाभाविक है, और आरोप तय होते ही इनके ऊपर कानूनी जो कठोरतम कार्रवाई होगी वो सीधे तौर पर की जाएगी। दूसरी बात आपको ये भी बता दूं आज से कि कल भी अतीक अहमद का जो है एक करीबी जो इनका लेन देन करता था, जो इनके जो है अवैध प्रॉपर्टी का हिसाब करता था, उसको भी जो है पुलिस एसआईटी की टीम ने अपनी कस्टडी में लिया है, और जो है उसका नाम है आसिफ उर्फ पप्पू, जो मेजपाल हत्याकांड की उसमें जो है आरोपित भी है, और गुर्गा भी मुख्य गुर्गा है इसका अतीक अहमद का। एसआईटी ने उसको कल गिरफ्तार किया है, आज उसके साथ पूछताछ भी कर रही है। दूसरी बात, कल भी एक धमकाने का मामला आया था, और ये पूरा चर्चा का विषय है, पूरे प्रयागराज सहित पूरे उत्तर प्रदेश का चर्चा का विषय है, कि जिस प्रकार से उमेश पाल की हत्या कर दी गई है, एक वकील को हड़काया गया था, कल ही हड़काया गया था, उसने मुकदमा भी पंजीकृत कराया है, और उसने कहा कि वकील को सीधे तौर पर धमकी दी है कि अगर इस जमीन पर जो है अगर कब्जा करना चाहते हो या जमीन प्राप्त करना चाहते हो 10 लाख का जो है व्यवस्था करो, मतलब 10 लाख की रंगदारी मांगी गई। तो अतीक के ऊपर प्रशासन पूरी कार्रवाई कर ही रही, किंतु उनके गुर्गे अभी भी इनका मनोबल बढ़ा हुआ है, इनका जो है पूरा अपराध के प्रति अभी इनका जो है मस्तिष्क ठंडा नहीं हुआ है, न इनके विचार जो है अभी ठंडे हुए हैं। तो लगातार जिस प्रकार से कल रंगदारी मांगी गई एक वकील से, तो इससे ये भी आंकड़ा लगाया जा सकता है कि उमेश पाल हत्याकांड को दोहराने का भी प्रयास ये जो है इनके गुर्गे कर रहे हैं। हालांकि वकील ने जो है FIR दर्ज करा दिया, और FIR दर्ज भी हो गई है, और जो वकील है वकार अहमद अपने भाई के साथ, जो उनके भाई है मोहम्मद अहमद, इनके साथ गए थे जमीन देखने के लिए, कोर्ट से गए थे, तो वहां पर जो है कुछ इनके गुर्गे जो है उनको जो है घेर लिए थे,
बस से भी कल, ये कल की घटना है दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अतीक अहमद के दुर्गेश अभी डर का उनके अंदर माहौल ही नहीं है, भय उनके जो है जहन में है ही नहीं, तो सीधे तौर पर कहा उसने कहा कि जिस प्रकार से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया है तुम भी सुधर जाओ। तो लगातार जो अतीक की आपराधिक जो है पृष्ठभूमि है, आपराधिक जो इनका इतिहास है, तो इनके जो है अतीक भले साबरमती जेल में है, उमर भले जो है लखनऊ जेल में है, या अली भले नैनी सेंट्रल जेल में है, शाइस्ता भले जो है फरार हैं, किंतु इनके जो गुर्गे हैं लगातार वसूली का काम, लगातार रंगदारी का काम, धमकाने का काम, डराने का काम, वो भी सक्रिय है। बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए अतीक और उमर की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ेंगी। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।